ओए ओए ओए, क्या देख रहा है तू? हाँ क्या है भाई, सुबह सुबह इसके साथ क्या करने है? मैंने सुबह सुबह इसके साथ छोड़ा। हाँ चलिए उठो, दूध ले आते हैं। चलिए उठो, जाओ तो टाइम लेट हो रहा है। उठो उठो हे उठो उठो उठो, बंद करो शाबाश। गाइस, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमर अकबर सरकानी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। यार अभी आप लोग कहोगे कि सुबह सुबह आप कहाँ भाग रहे हैं तो हम ऐसे भागते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जल्दी में है जा रहे हैं दूध ले आने के लिए। हम जा रहे हैं साथ वाले गाँव, तो तकरीबन कोई 8-10 मिनट में हम पहुंचेंगे, फिर वापस भी आएंगे। कुल हमारा कोई 15-20 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। ये देखे माशाल्लाह सुबह हो चुकी है, अभी तक सूरज नहीं निकला है, सुबह सुबह का टाइम है। और इस लड़के को मैंने ज़बरदस्ती अपने साथ ले लिया कि चलिए भाई साफ चलते हैं। चादर भी आपने पहना हुआ है फिर भी आपको सर्दी लग रही है। यार आप कैसे जवान हो, भागो 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 शाबाश। यार अब क्यों डर रहे हो, अभी तो दिन का टाइम है, दिन के टाइम तो आपको नहीं डरना चाहिए, वो तो अंधेरा होता था इसलिए आप डरते थे ना। जय जय शाबाश, टाइम लेट हो रहा है। यार आज तो सर्दी बहुत है यार, हाँ है ना गाइस। ये देखिए इतनी ज़्यादा शब्द इस पर पड़ी हुई थी पत्तों पे और हमारे कपड़ों पे लगी, और इतनी सर्दी लग रही है यार। साहेब व्यूअर्स को बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने क्या बन रहा है? यहाँ पर गुड़ बनना है, गुड़ बनाई जाती है ना। हाँ। या या। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गन्ने का छिलका है, जब ये सूख जाए फिर लोग इसे जलाते हैं, ईंधन के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। यार अभी तक हम वेट कर रहे हैं, 2 दिन गुजरे बीच में और हमजा भाई का व्लॉग नहीं आया। 7वां एपिसोड है ना, 6 एपिसोड अपलोड हो चुके और अभी 7वां एपिसोड का हम लोग वेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उस एपिसोड में हमको सरप्राइज़ मिलने वाला है। अब की क्या राय है, उन्होंने क्या करना है, जिन लोगों के साथ वो रुके थे, जिनके साथ गाना गाया था, रात जिनके साथ गुजारी थी, तो उनके लिए अभी उनका सरप्राइज क्या होगा आपके ख्याल में? यार मुंह खोलो, खोलो। हाँ सर्दी है, सर्दी है तो क्या हुआ आपके ख्याल में, उनके लिए क्या सरप्राइज होगा? उन्हें कुछ खिलाएगा या कुछ गिफ्ट देगा उनको अपने? आपके ख्याल में क्या गिफ्ट हो सकता है? हाँ या तो और सर्दी होगा। नहीं नहीं यार इस तरह की बातें ना करो, मुझे डर लगता है। अभी देखते हैं, खैर हम भी सरप्राइज का वेट करेंगे कि वो क्या सरप्राइज देने वाला है। खैर वेट करेंगे इंशाल्लाह 7वें एपिसोड का। चलो। और ये देखे गाइस यहाँ पे गन्ने की फसल की कटाई की जा रही है, और यार सब सब ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पे गन्ने काट रहे हैं माशाल्लाह। ये चेक करें, ऐसे धड़ाधड़ लगे हुए हैं। साहेब आपको पता है गन्ने की कटाई इस टाइम क्यों की जाती है? इस टाइम तो सर्दी बहुत होती है ना, तो ये लोग धूप में आके क्यों नहीं काटते इसको? हाँ नहीं पता आपको, गांव में रहते हुए आपको ये भी पता नहीं? यार ये जो गन्ना होता है ना इसे सुबह सुबह इसलिए काटते हैं क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा आसान होते। सलाम अलैकुम काका खाई, खैर भी। और जब धूप निकल आती है ना तो ये फिर सूख जाते हैं, फिर इसको मतलब इससे ये शबनम उठ जाती है, फिर इसको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो पत्ते इससे निकालना बहुत ज़्यादा फिर सख्त हो जाते हैं। और ये सामने से आ रहा है कुत्ता साहब। सखे बारो सार वक्त जैसे शबा कोरता। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से दूध ले लेते हैं। सहेब जल्दी करो, दूध हम लोगों ने ले लिया है और सामने से माशाल्लाह सूरज भी निकला हुआ है। तो गाइस चलते हैं वापस घर को और जाके इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। ज़बरदस्त मौसम है यार, ये सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आए हम एक रास्ते से थे, अब ये लड़का दूसरे रास्ते से हमें ले जा रहे हैं। चलिए इनके पीछे चलते हैं कि हम लोग कहाँ से गुजरेंगे इन रास्तों से जाते हुए। बताओ सिर्फ हाँ। 2 मिनट का रास्ता, 2 मिनट का। ये कहता है कि ये शॉर्टकट है, और इस साइड पे जंगल, वाह खूबसूरत, और इस साइड पे भी गन्ने की कटाई जा रही है। ये जो किसान लोग हैं ना, ये जो गन्ने की कटाई है इसके लिए फजर के टाइम आते हैं, नमाज पढ़ते ही आ जाते हैं खेत में,
और लगे रहते हैं, अभी लगे हुए हैं माशाल्लाह, और थोड़ी ही देर में ये काम ख़त्म हो जाएगा, फिर घर चलेंगे। सुबह सुबह ये काम करना होता है। तो गाइस आज का आप लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्त कीजिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।